अरे रुको 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 रुको, मैं कैसे प्लान डिसाइड कर सकता हूँ? मैं तो फ्लैट में रहता हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हाँ तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है यार, आपका भाई है ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्लान डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी नर्सरी में चले जाएँ, वहाँ से प्लांट खरीद लें। अच्छा, प्लांट जब आप खरीद रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि प्लांट जो है वो बेबी प्लांट ना हो, बच्चा ना हो, क्योंकि बच्चा घर में सर्वाइव नहीं कर सकता। आप उस बच्चे को रोड पे लगा देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो प्लांट अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो किसी भी नर्सरी में चले जाएँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ना द ग्रीन थंब में मैं आ जाया हूँ, फारूक पारे साहब की ये नर्सरी है, तो वहाँ पर ये प्लांट्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और इकोनॉमिकल है। फर्स्ट के आप ये देखें, ये वाला प्लांट है गुलमोहर का। अब इसकी थम की ना थम इसकी स्टिक देखें, और स्टिक की जो है वो डेप देखें, और स्टिक कितनी मोटी है और कितनी लंब कितना बड़ा प्लांट है। तो अगर मैं इस प्लांट को जो है वो रोड पर लगाऊंगा तो कितना अच्छा सर्वाइव कर सकेगा और कितनी जल्दी ग्रो कर सकेगा। और ये कोई महंगा प्लांट भी नहीं है, कम से कम जो है ना 500 रुपये का तो प्लांट है ये। तो आप जो है वो फर्ज करें कि एक बीज लें, बीज में जो है गमले में डाल लें, वो बड़ा हो, बड़ा होने के बाद आप उसको लगाएं। इसी तरह शॉर्टकट करें, शॉर्टकट करने का आसान तरीका ये है कि किसी भी नर्सरी चले जाएं और वहाँ से जो है ना कोई भी प्लांट खरीद लें। प्लांट कौन सा वाला खरीदें उसकी डिटेल में इस वीडियो के अंदर सर बताएंगे। प्लांटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उसका सर्वाइवल। बहुत अच्छी बात है कि आजकल प्लांटेशन की बहुत अवेयरनेस है और बहुत सारे लोग एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, यंग एंड ओल्ड, मैन एंड वेमेन, सब लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, मगर प्लांट लगाने के बाद क्या होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि 100 प्लांट्स लगाए, उसमें से 20, 10, 15 सर्वाइव हुए। तो बात यह है कि ये टाइम, रिसोर्स और एनर्जी का वेस्टेज है। दूसरा ये है ख़तरा कि जो लोगों को शौक़ है प्लांटेशन का, ग्रीनरी का, वो एंथुजियाज़म डाई डाउन हो सकता है कि भी हम पौधे लगाते हैं और मर जाते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि पौधे की एज और उसकी हाइट। आप कम एज का छोटा पौधा लगा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी होंगी। गाड़ियां पार्क हो सकती हैं उसके ऊपर, बच्चे तोड़ सकते हैं, जानवर खा सकते हैं, तो ये एक इश्यू है। अनटिल एंड अनलेस आप उसके आगे कोई बनाएं बैरियर, विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग, विच विल बी एक्सपेंसिव एज वेल। तो बेहतर तरीका तो ये है, नॉट द ओनली वे बट द बेटर वे इज़ कि आप ये जैसे हमारे सामने हैं गुलमोहर, 6 feet एटलीस्ट, 5 to 6 feet इज़ मिनिमम सेफ हाइट। ये आपके पास जो हैं ये 7, 8, 9 feet के हैं, वो पुराने पौधे हैं। पुराने पौधे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जल्दी जो है वो अडेप्ट करके सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरा, ये रीच में नहीं होते सबकी और आसानी से इग्नोर नहीं होते, इसलिए उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, प्लांट्स लगाने के लिए एक बड़ा मकसद जो है ग्लोबल वार्मिंग और वो जो सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं, हम चाहते हैं कि साया हो सड़कों पे, गलियों में, पार्क्स में साया हो, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। तो हमें ये देखना होगा कौन सा दरख्त जो है वो ज़्यादा साया देता है। माई वोट वुड गो टू नीम। नीम इज़ द बेस्ट। हमारे एनवायरनमेंट में नीम टफ और हार्डी है। नीम जो है टफ और हार्डी होने के साथ साथ बहुत साया देता है और ईजीली अवेलेबल है। तो नीम के अलावा अगर हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आजकल गुलमोहर और अमलतास का बड़ा चर्चा है। गुलमोहर इज़ अ वंडरफुल प्लांट, थोड़ा बड़ा होकर आपको साया भी देता है, खूबसूरत फूल भी जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं। अमलतास इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, मगर रोड साइड पे लगाने के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा नहीं है। अमलतास का जो तना होता है वो इतना स्ट्रेट नहीं जाता, अमलतास को ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपना शेप कैसे ले जाए। अमलतास बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा साया भी नहीं देता और उसकी ब्रांचेस जो है ज़रा हैपेजर्ड हो जाती हैं।
तो जहाँ अगर पार्क है या कोई ऐसी जगह है तो अमलतास ज़रूर लगाएं, मगर सड़क के किनारे अमलतास की तरह सुहांजना या मोरिंगा, जिसके बड़े ज़बरदस्त मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होते हैं उसके पत्ते और हर पार्ट, मगर सड़कों के लिए मोरिंगा ठीक इसलिए नहीं है कि एक तो साया ज़्यादा नहीं देता, दूसरा इतना खूबसूरत नहीं होता अक्सर, तीसरी बात ये कि इसकी शाखें जो हैं वो ब्रिटल होती हैं, यानी उसकी शाखों के टूटने के वाकयात बहुत होते हैं, वो गिर के गाड़ी को या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमारे सामने है मोरिंगा, ये आप देखिए मोरिंगा की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है इसका ग्रोथ रेट, अब ये मुझसे ऊंचा हो गया है, जनवरी में मैंने ये सारे जो है बीज से लगाए थे, अब ये विद इन 7 मंथ्स ये 6 फिट के हो गए हैं, और अगर इसको ज़मीन में लगाएंगे तो विद इन अ फ्यू मंथ्स ये पूरा दरख्त बन जाएगा, तो अगर कोई सेफ जगह हो तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। सड़कों के लिए गुलमोहर और नीम के अलावा जामुन, इमली, बादाम, ये कुछ ज़रा फेवरेट लिस्ट से हट गए हैं आजकल किसी वजह से, इनका साया ज़बरदस्त है, ये इंडिजिनस हैं। इसमें एक अहम पॉइंट जो है वो ये है कि आपका पिट या गढ़ा कितना गहरा हो, उसकी गहराई 3 फिट होनी चाहिए और उसका रेडियस 2.5 फिट होना चाहिए, कम से कम 2 फिट। और एक बात ख़ास तौर पे उस पर जहन में रखी जाए कि जो मट्टी या पत्थर निकला है उस पिट से वो उसमें दोबारा हरगिज़ ना जाए, फ्रेश खाद और मट्टी से भरें उसको ताकि उसको अच्छी फाउंडेशन मिले, और इस मौसम में अगर लगा दिया जाएगा इस तरीके से तो उम्मीद है कि वो बहुत तेज़ी से शूट करेगा और स्टेबल हो जाएगा और खिजां के मौसम को बर्दाश्त कर लेगा और अगली बहार तक वो पूरा फुल फ्लेज ट्री बन जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट, डिस्टेंसिंग, अगर आप जंगल लगा रहे हैं, अगर आप पहाड़ों पे पौधे लगा रहे हैं, अगर आप मिनी फॉरेस्ट बना रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन अगर आप सड़क या पार्क में पौधे लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप फौरन गूगल भाईजान से पूछें कि नीम के दरख्त की विड्थ कितनी होती है, तो वो उसका रेडियस, उसकी ब्रांचेस का फैलाव 50 फिट तक होता है, तो इसका मतलब 25 फिट यहाँ 25 फिट यहाँ, तो आप दो दरख्तों के दरमियान आइडियली 50 फिट का फासला रखेंगे, विच इज़ समटाइम्स नॉट डूएबल फॉर पीपल, तो आप कम से कम 20-25 फिट का फासला रखें। अभी डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, मगर आने वाले वक्तों में चूँकि हम फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए लगा रहे हैं, हम नेक्स्ट डेकेड के लिए लगा रहे हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे तो दरख्त बहुत खूबसूरत लगेंगे और दरख्त जो रिसोर्सेज हैं हमारी वो ज़ाय नहीं होंगी। माई नेम इज़ फारूक पारेख, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर ए लेवल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, आई कंडक्ट आर्ट थेरेपी एंड हॉर्टिकल्चरल थेरेपी। हॉर्टिकल्चरल थेरेपी बहुत सारे लोग नहीं जानते, हॉर्टिकल्चरल थेरेपी जो है वो गार्डनिंग और प्लांट्स के साथ जो एक्टिविटी होती हैं उसके ज़रिए जो थेरेपी का प्रोसेस होता है, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स के सॉल्यूशन के तौर पे जो एक्टिविटी हम करवाते हैं गाइडेड, उसको हॉर्टिकल्चरल थेरेपी कहते हैं। एंड आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन प्लांट्स एंड गार्डनिंग सिंस माय स्कूल डेज, तो नाउ रिसेंटली आई हैव टेकन दिस अप एट अ लार्जर स्केल एंड अ लिटिल मोर सीरियसली। आई डोंट इंटेंड टू कीप दिस प्लेस एज अ नर्सरी ओनली, but we want to conduct gardening sessions, horticultural therapy, and we want to transform this into a retreat for people to come, sit, talk, have a cup of tea, enjoy this small place of nature where we now have a lot of birds and butterflies and insects, and they can get all sorts of guidance, they can come and they can walk out with a plant as a gift. Anyone who comes in, they walk out with a plant or two. Just like that. क्या पौधा आपने खरीद तो लिया है, पौधा खरीदने के बाद आप अपने इलाके में देखें जहाँ पे आप रोजाना गुजरते हो, या अपने घर के पास देखें जहाँ पे आप बिल्कुल नियरेस्ट हो, ताकि उसकी आप केयर भी कर सकें और जो है वो आप वहाँ पे प्लांट लगा भी सकें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ वो अपने घर के पास जो मैंने एक जगह देखी हुई है मैं वहीं पर प्लांट लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि वहाँ पर मैं रोज़ाना वहाँ से मैं गुजरता भी हूँ और जो है मैं वहाँ पर इसकी केयर भी कर सकता हूँ, और मैं रोज़ाना ऑफिस जाते हुए रास्ते में उसको पानी भी डाल सकता हूँ। तो मैं बस यही करूँगा कि रास्ते में उस जगह के ऊपर उसी जगह लगाऊंगा, लेकिन वो जगह जो है वो थिक है, तो थिक क्या किया कि मैंने एक मज़दूर हायर किया और उसको उससे खड्डा खुदवाया, और खड्डा खुदवाने के बाद मैंने वहाँ पे इस पौधे को लगा दिया।